नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान कालका विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा मौके पर मौजूद रहे और साथ ही हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने पुस्तक मेले में स्टॉल का निरीक्षण किया, साथ ही कहा कि सभी विभागों को बधाई भी देना चाहता हूं जिनके तत्वाधान में इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि लोग पुस्तक मेले में आते हैं और हजारों लोग इससे लाभ लेते हैं, सबसे ज्यादा जानकारी हमें किताबों से मिलती है। इसी के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी ने युवकों को पुस्तक मेले के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं पंचकुला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी का पराली प्रबंधन को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पराली प्रबंधन की प्रशंसा की है। इसी के साथ उन्होंने पराली माले को लेकर भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सीएम ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि त्योहारों के चलते विधानसभा सत्र की तारीख तय नहीं की जा सकती है और साथ ही जल्द ही विधानसभा की तारीख सबके सामने होगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रिपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है, धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती, परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है, सारा का सारा व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो बैठते हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने से मिले हैं मुख्य सचिव विवेक जोशी। बड़ी खबर, जहां पर कार्यभार संभालते ही सीएम सैनी से मुलाकात की है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की, जहां पर सीएम सैनी से मिले मुख्य सचिव विवेक जोशी, जहां पर कार्यभार संभालते ही सीएम सैनी से मुलाकात की। सीएम सैनी से मिले हैं मुख्य सचिव और यहां पर कार्यभार संभालते ही सीएम से बातचीत की, मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा में नए चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया, जहां पर आईएएस विवेक जोशी ने सीएम सैनी से मुलाकात की। और आपको यह भी बताते चले कि 31 अक्टूबर को खाली पद हुआ था और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी ने हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी सीएस का पदभार संभाला है। और आज पद संभालने से पहले उन्होंने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की, हरियाणा को लेकर बातचीत भी हुई है। साथ ही विवेक जोशी इससे पहले पीएमओ में कार्यरत थे। उनकी हरियाणा में दोबारा से एंट्री खासकर चीफ सेक्रेटरी के पद पर ज्वाइनिंग के लिए काफी अहम मानी जा रही। दिवाली के दिन शाम को उनकी नियुक्ति के ऑर्डर भी जारी हुए थे। हरियाणा में 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के डीसी और जिला म्युनिसिपल आयुक्त के तबादले हुए। आईएएस अधिकारी यश गर्ग को उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ एमएसएमई विभाग को निर्देशित भी किया गया, यहां पर निर्देशक तैनात किए गए। अशोक कुमार गर्ग को गुरुग्राम का जिला म्युनिसिपल कमिश्नर और गुरुग्राम म्युनिसिपल कमिश्नर नियुक्त किया गया। राजेश जोगपाल को कोऑपरेटिव सोसाइटी विभाग का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। धीरेन्द्र खड़गता को भी और रोहतक का डीसी नियुक्त किया गया है। कैथल के गुल्हाचुईका में घर में रखे दो सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया है। धमाके से घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। मलबे के नीचे दबने से दो लड़कियों की मौत हो गई है, जबकि परिवार के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को गुला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में दो की मौत हो गई, दो घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। घर में रखे दो सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। पूरा मामला कैथल का बताया जा रहा है, जहां पर
घर में रखे दो गैस सिलेंडर जो हैं वो ब्लास्ट हो गए थे, जिसके बाद में बड़ा हादसा हो गया और जिस दौरान धमाके से क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया है। परिवार से पता लगाया भी हमारा, रात में 3 और 4 बजे के बीच में एक सिलेंडर फटा है रसोई में रखा हुआ, जिससे इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है, जिसमें 2 बच्चियों की डेथ हो चुकी है, 1.5 साल की है और करीब 1-19 साल की है। तो किस तरह की राहत और बचाव करेगा? बचाव कार्य हम मुलाजम लगा दिए हैं, और भी किसी का नुकसान ना हो, बिल्डिंग जर्जर हालत में हो रही है, देख ही रहे हैं आप, कमेटी वाले भी आ गए हैं, बिजली बोर्ड भी आ गया। तो क्या नुकसान हुआ था? ये सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फटने की वजह से बिल्डिंग पूरी गिर गई और हमारे 2 बच्चे पूरे हो गए। एक हमारी पोती थी 7 साल की, एक हमारी भाई की लड़की थी वो 15-16 साल की, और एक बेटे की बहू पे टांगों पे चोट लगी है और एक बाप भी हमारी उसके भी टांगों पे भाई की थोड़ी चोट लगी। क्या प्रशासन मौके पर पहुंच गया था? आप प्रशासन पुलिस वाले आए थे, वो नाम नाम लिख के ले गए। तो कहाँ घायलों को दाखिल कराया गया? ये सरकारी हॉस्पिटल है जो वहाँ पर पोती को और जो हमारी बाकी को महंगी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, और जो मेरी भतीजी थी वो पूरी होगी उसको बटाले ले गए थे। बलजीत सिंह, हादसा कब हुआ? 4:45 बजे 4:43 पर आया। तो कितने लोगों की मौत हो गई और क्या स्थिति है? 18 साल की लड़की है, 18 नहीं 17 की होगी, और 18 महीने की लड़की है। 2 की मौत हो गई। तो बाकी परिवार? एक बहू है जी, उसकी टांग टूट गई 2 जगह थे, फसलियाँ टूट गई। एक उसकी सासू है, उसको भी चोट लगी है, उसका सूजरा उसको भी थोड़ी बहुत ही लग रही है। गांव हडोली ने अनोखी पहल की है, गांव में एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और गांव के लोगों ने धार्मिक स्थल पर शपथ ली और गांव एकजुट होकर नशा बेचने वालों को पकड़वाया गया। नशा आपको बता चले कि बेचते पकड़े जाने पर युवक की अगर कोई उनकी जमानत कराएगा तो पूरा गांव उसका डटकर विरोध करेगा। गांव के लोगों का कहना है कि इस चिट्टे जैसे नशे ने आसपास के कई गांवों के युवकों की जिंदगियां छीन ली हैं। नशा माफिया बेधड़क होकर नशे का व्यापार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि हडोली गांव में एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर आपको बताते चले कि पूरा मामला रतिया से है, जहां पर लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने जंग लड़ी है, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार नशा बढ़ता जा रहा, नशा तस्करों की अब खैर नहीं, क्योंकि लगातार महापंचायतें की जा रही हैं और ग्रामीण इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। यह फैसला पहला फैसला तो असं नशा बारे लिते भी जेडे पिंड च नशे है भी उन्होंने रोकथाम वास्ते आ साडी कमेटी बन गई, उन्होंने निगाह रखू। बाकी होर भी जेडे 1-2 फैसले होर रखते गए हैं भी पिंड के हित वास्ते एक कमेटी काम करूगी, जिस तरह खेलर बढ़ावा देना या कोई होर है पिंड काम कर देती है एक कमेटी पंचायत के नाल। एक सर देखा जाए जिम्मे मारपीट दटनावं आ रही हैं पिंड च, सीसीटीवी वीडियो सख्त एक्शन लिया जाऊगा पंचायत वालों? हाँ जी, जो अगे वास्ते कोई इस तरह का किया कराया जाऊगा, बाहरों आके कोई मारपीट करते हैं। वो फैसला लिता जो मुंडे का कतल होया? हाँ जी, उन्होंने जिन्होंने कतल कराया वह पिंड चो बाईकाट कराया सारी पंचायत ने, ठीक है, वह बाईकाट करता एक नशे के मुद्दे बारे भी जेडे पिंड च नशे बेचते आ उन्होंने फड़ के पुलिस के हवाले करना या पिंड चों उन्हों का भी बाईकाट करना, जेड़े आके बाहरों लड़ते आ मुंडे उरों बुला लें कोई नागपुर कोई सुंबर तो आके बेगुनाह ने कई सट्टा मार गए उन्होंने बाईकाट किया, सख्त कार्रवाई भी की जाऊगी अगे पिंड वाले तो जो बुलाऊगा तो जेड़े बाहरों आवगे उन्होंने सख्त कार्रवाई की। गए हैं भी नशा बारे अजकल की पनीरी है जो बच्चे ने नशे लाने लग रहे हैं, नशा ज़्यादा पिंड के हो गया है, कि घटना हो गई अपने बच्चे किन्ने छोटे छोटे मर गए हैं, जे अज ये ना संभाले आप कल की हालात होने पिंड।
तो मान लो नशे बहुत ज़्यादा हो गए, बाहरों आते हैं, लगाड़े आते हैं, कुटमार करते हैं, ये हम कि मतलब कि अब पिंड का पूरा एक देखने मिल जाएगा, बहुत सारे पिंड इकट्ठा होगा कि जो हाँ बाहरों आते हैं उन्होंने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। अज गुरुद्वारा साहब सारे पिंड की तरफों सारिया बरादरिया हर घर परिवार चो एक मैंबर बुलाया गया है। अज एक दो दिन पहले दिवाली वाले दिन साढ़े पिंड इतने एक मासूम बच्चे का कतल करता है गया, बहुत ही मनघाटी घटना है जिसकी चार सवेर निंदा हो रही है। और दूसरा है एक नशे के वास्ते मुद्दा यह है कि जेडे इतने गोलियां खा के वेले बच्चे घूमते रहते हैं, एक तो उन्होंने वास्ते सिस्टम है, कोई किसी प्रकार का नशा, कोई किसी प्रकार का नशा करके तो बेसुदा वगू कई होए रहते हैं छोटी उम्र के बच्चे। एक इतने कई गैंग बनाते हैं, उन्हें कोले बंदे ने बाहरों नशेड़ी आदमी आके इतने थोड़ा जा खर्च करते हैं, आके किसी ना किसी के घर से हमला बोल देंगे, चौंक च वीडियो पाते हैं, वीडियो पा के फिर लड़ाई कर देना, ज बस स्टैंड से पांच सत्त बारी लड़ाई कर दी। जो बाहरों बंदे आते हैं पहले गल तो भीम स्टेडियम में सोमवार से भर्ती रैली का आयोजन शुरू हुआ जिसे लेकर पूरी व्यवस्था की गई। मेजर जनरल केपी सिंह ने भर्ती रैली के लिए लगाए गए आर्मी के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अनुशासन फौज की पहली प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारियों को अनुशासन के परिचय के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करना है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगाने के साथ 6 से 10 चीन अप और साथ ही 9 फीट डिच को भी पार करना होगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में डीएपी नहीं मिलने से किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान है, कलावली किसान लंबी लाइनों में दिखाई दिए। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि अगर उनको डीएपी खाद समय पर नहीं मिली तो उनकी ओर से एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि डीएपी नहीं मिलने से दुकान के बाहर लंबी लाइनें किसानों की लगी हुई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि कलावली से हैं, जहां पर डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं और जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन की बात कही है। पूरी दिक्कत है, ये दिन रात इतने पे हैं, अजे कोई साड़ी बिजाई नहीं हुई, बुरा हाल है। जो वितरण हो रहा है रे का सही प्रकार से हो रहा है या नहीं, इन्हें नाल की बनूगा जी, दो कट्टे दंदे है, वो भी लालो साहब हम तो इतने हजार किसान कट्टा पता नहीं 500 पहुंचे कि 400 पहुंचे, 100-200 के पले पूरा दो कट्टिया ने बहुत बड़ी दिक्कत आई पी है जी। क्या मांग करेंगे सरकार? हाजी मांग ये है मुख्यमंत्री साहब नो हाजी बिजाई टाइम नाल बोली जाए, तो डीएपी की सानू पूरी खुलत है जी। किसान जथेबंदियां सानू जथेबंदियां तो अभी कि किसानों की आपकी दिक्कत पूरी करो, साढ़िया कॉपरेटिव सोसायटियां च पिंड भेजो। दिक्कत आ रही है बीज के मिलने की, सानू हफ्ता हो गया लैना लग्या नू, ते जब अभी लैन आने डीएपी सानू आदियां नू कहंदे 10-20 बंदियां नू दे के कहंदे डीएपी मुक गई। पहली गल तो जे होती है, फिर उसके बाद लैना च लगे पे असी, साडा बुरा हाल है जा, रेह मिल नहीं रही, सारी जो रेह है वो आउंदी ज्यादा जावे रेह आउंदी है, जिवें लावे 500 घटा आ गया। डीएपी 3 बजे उठ खड़दे रात नूं सौंदे नहीं गए, नहीं जाके लैन च लगा गए, पूरी आ रही है जिम्मेदार होंगे, रेह भेजी जाए
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਚ ਰੇਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਦੋ ਦੋ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਰੇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਹੁਣ, ਨਵੰਬਰ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਸਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਏਪੀ ਅਬ ਤੋਂ ਘਟਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਬ ਮਾਰੋ ਦਾਮ ਪੜਿਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਟਾ ਅਥੂ ਕਾਲਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਬਜਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਪਰ ਬੈਠ ਗਿਰ ਗਿਰੇ ਗਿਰ ਜਾ ਤੋ ਅਬ ਬਤਾਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਮੰਗ ਆਈ ਕਰਾਂ ਕਭੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੇ ਭੇਜੀ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋ ਜੀ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀ ਏ ਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲਤਾ ਹੈ ਅਬ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਹਮੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਚਾਹੀਏ ਹਮੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਸੁੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਘਰੇ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹਵਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ 3-4 ਗੱਟੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਣਕ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਤੇ ਜੇ ਤੇ ਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਲ ਜਲ ਕੀ ਜਲ ਕੀ ਵਿਤਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ पंचकुला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 4 नवंबर को होंगे। 46 महीने के लंबे अंतराल के बाद में पंचकुला को इन पदों पर नियुक्ति मिलेगी, लेकिन इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच में गहरी बेचैनी भी है। पाला बदलने वाले पार्षदों को कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरअसल कुछ समय पहले तक बीजेपी को नगर निगम में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बदलते रुख के चलते कुछ पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम दिया, जिसे कांग्रेस को नगर निगम में बहुत मिल भी गया था। लेकिन इस बदलाव के चलते पाला बदलने वाले पार्षदों को उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार बनने पर उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, लेकिन विधानसभा में सत्ता फिर से बीजेपी के पास आ गई, जिससे वे असमंजस में हैं। अब पार्षद असमंजस में हैं कि बीजेपी में जाएं तो किस मुंह से जाएं। रतिया की सदर थाना पुलिस ने 4 साल के बच्चे की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। मामले में एक नाबालिग को पुलिस ने काबू किया। पकड़े गए नाबालिग को उसके परिवार के साथ जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, बाल सुधार गृह अम्बाला भेजा गया। सदर थाना के SHO ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवम्बर को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव हडौली में एक बच्चे की हत्या करके उसके डेड बॉडी को सुनसान मकान में के पास में फेंका गया है। पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। फरीदाबाद के माजरा गांव स्थित एक कपड़े के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग करने के बाद में बदमाश जाते हुए एक लेटर छोड़कर गए, साथ ही उस लेटर में दुकान के मालिक से 20 लाख की फिरौती की मांग की गई और फायरिंग की पूरी वारदात शोरूम के सामने लगे CCTV में कैद हो गई। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों का रोडवेज के साथ में विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जुलाना के पुराना बस स्टैंड पर एक पुलिस कर्मचारी और बस ड्राइवर के बीच में विवाद हो गया। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जयवीर ने बताया कि वह सवारी लेने के बाद के लिए जो है वो बस स्टैंड पर खड़ा था, 2 सवारी चढ़ गई और 1 सवारी पीछे थी। इसी दौरान यह युवक अपनी गाड़ी आगे खड़ी की और उनके साथ बदतमीजी करने लगा, जो अपने आप को पुलिस कर्मचारी बता रहा था। तो वहीं पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि बस काफी देर तक रोड पर खड़ी करने के बाद उसने उसे समझाना चाहा तो उसके साथ कहासुनी करने लगे। तो
मामला तो कुछ होता जी, गाड़ी सवारी बढ़ा रही थी, एक सवारी रही थी, दो सवारी आ गई थी गाड़ी में, एक सवारी पास रह रही थी, सवारी बैठाने के लिए गाड़ी थोड़ी एक दो मिनट रोक दी थी। अच्छा, हाँ जी, गाड़ी खाली पड़ी, सवारी तो बैठानी पड़ेगी हमने, खाली कैसे ले जाऊँ गाड़ी। अच्छा, दूसरी गाड़ी कौन सी थी? दूसरी गाड़ी तो यह है अपनी आई ट्वेंटी, आई ट्वेंटी वाला बोल रहा पुलिस में गाड़ी हटाने को। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और कम से कम 10 मिनट हो गई थी, मैंने यो भाई भेजा अंजीत, आजा बहन जी, मैंने ड्यूटी पर लेट होता, यो भाई भेजा मैं साइड करवा के, इन बस नेट आई आगा, मैंने कही तो भाई और आड ठाकर आड मारन लग गया, ठीक है, यह बात थी मारी, और बात कोई बात को नहीं, ना मारे कोई इससे लेना देना। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल है भाई, पोस्ट है फरीदाबाद भाई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फ्रेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग ली है। साथ ही इस मीटिंग के दौरान गर्ग ने कहा कि सरकार के व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा देश और प्रदेश में जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्सों में बढ़ोतरी करने से लगातार व्यापार पिछड़ता जा रहा। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद आदि पर कभी जो है वो टैक्स नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब पर 5% जीएसटी लगाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। एक तो हमारा व्यापार मंडल का राज्य स्तरीय दौरे हरियाणा में चल रहे हैं, दो रीजन है, एक तो त्योहार का सीजन था, दूसरा मंडियों में अनाज की परचेज, और तीसरा अग्रवा धाम में 10 नवंबर का हमारा एक विशाल वार्षिक मेला लगेगा, एक कार्यक्रम 10 नवंबर का वो भी है। सबसे बड़ी बात यह है 10 नवंबर का जो मेला लगेगा, देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में आएंगे, 41वां वार्षिक मेला है, आई साल उसमें आएंगे, और बिहानी का बड़ा भारी सहयोग उस मेला में रहता है, काफी लोग बिहानी के आते हैं। और साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत आपने देखा, जो आपके सामने टेलीफोन पर बात हो रही थी, कि सरकार को चाहिए व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार। लाबड़े में इतना ही, नमस्कार। Constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. Kya rang khila, kya roop saja, maine hi... तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है, इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मरचुला के पास में एक बस खाई में गिर गई और हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है
और 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा, साथ ही SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची है।